बिना किसी किसी इस तरह के पैंतरे के जिससे सरकार बात को बनाने के बजाय बिगाड़ दे और कोई नई राजनीति उस बीच में आ जाए, हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते। आदाब नाजरीन, मैं सुफियान सैफ और आप देख रहे हैं मेवाड़ टाइम्स। दरअसल जिस मुद्दे पर आज हम आपसे रूबरू हैं वो मेवात का बहुत अहम मुद्दा, बहुत देरी ना मांग और जो बहुत लंबे अरसे से अटकी हुई एक ऐसी मांग जिस पर लगभग मेवात का नू जिले का खासकर हर एक जागरूक बंदा सवाल कर चुका है, सरकार से, प्रशासन से, हर किसी के नजर में है वो मांग, लेकिन उसके बावजूद कोई भी सरकार हो, और शायद अब तक हरियाणा में तीनों चारों जो बड़ी पार्टियां जिनकी सरकार रही हैं, चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो और कांग्रेस हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो हो, चारों ही पार्टी इस हरियाणा के अंदर अपनी हुकूमत कर चुकी हैं और सरकार से मेवात के लोग अपने अपने वक्त में मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मांग सिरे नहीं चढ़ी। दसियों बार ये कहा गया कि मंजूर हो चुका है, खबरों में बार बार पत्रकार रिपोर्टर्स इस चीज को रिपोर्ट करते रहते हैं कि ये मांग एक बार फिर पूरी हो गई है, सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है, उसका बजट बन रहा है, अलग अलग तरह से खबरें बनती हैं और वाहवाही भी लूट ली जाती है। यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, जो यहाँ के रीजनल पत्रकार हैं, वो हमेशा इसकी कवरेज देते रहते हैं और फिर उस पर जो लोग आवाज उस पर जो कमेंट करते हैं, ये जो उस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं जो मेवात के लोगों की तरफ से, वो यही आती हैं कि हमने कई बार इसकी मंजूरी देखी है लेकिन इसको सिरे चढ़ते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत ही अहम सवाल एक बार फिर गर्मा गया है, एक बार फिर सुर्खियों में है। अभी हाल ही में, कल या परसों की बात है, बल्कि कल ही ये इस तरह के हादसा एक बार फिर हुआ जब एक पुलिस की गाड़ी से दो महिलाओं की जान चली गई। ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा है, इस रोड पर बेमौत मरने वालों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। मैं माफी चाहूंगा कि मेरी आवाज आप तक जो पहुंच रही होगी वो काफी भारी होगी, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है वो हाल ही में चेंज हुआ है, इसके अंदर भी वो तमाम सिस्टम्स नहीं लग सके हैं, वो साउंड प्रूफ सिस्टम पूरी तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है और उसमें ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, जो मेरी आवाज है वो आप तक दुविधा हो रही होगी सुनने में, कानों को शायद कोफ्त भी पहुंचे, लेकिन जिस तरह का ये मुद्दा है और जिस तरह की ये बात है, जिस तरह की ये मांग है, मुझे मजबूरन आपके सामने आना पड़ा है और ये बात रखनी पड़ रही कि शायद मेरे जरिए से उस सतह तक न सही, उस स्तर तक न सही जिस स्तर तक ये मांग उठनी चाहिए, शायद उतनी तो मैं आवाज बुलंद कर सकता हूं कि जो लोग इसे सुन रहे हैं वो इस आवाज को, इस आवाज में आवाज मिलाकर इसे मजबूती दें और मेवाड़ टाइम्स के माध्यम से प्रशासन तक, सरकार तक, जो बरसर इक्तदार सरकार पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेजेपी हो, जो गठबंधन सरकार है, जो नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के तीनों एमएलए हैं, उन तक ये बात पहुंचे और वो कौन सी तदबीर हो सकती है बिना किसी राजनीति के, बिना किसी किसी इस तरह के पैंतरे के जिससे सरकार बात को बनाने के बजाय बिगाड़ दे और कोई नई राजनीति उस बीच में आ जाए, हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते, हम इस तरह की बात नहीं करना चाहते जहां से ये मुद्दा भटक जाए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे बुद्धिजीवी, हमारी सरकार, हमारे नुमाइंदे, जो भी जो नियुक्त हो चुके हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो, और जो नहीं चुने गए वो, जो सरकार के हिस्सा हैं वो, जो सरकार के हिस्सा नहीं हैं, जो चुने गए हैं वो सब मिलकर कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो और इस आवाज को जितनी मजबूती के साथ उठाया जा सकता है उस मजबूती के साथ उठाया जाए, शायद तब सरकार की जो कान है वो खुल सके, उन दरबारों तक ये आवाज पहुंच सके। अगर आवाज मिलाकर
बुलंद की जाए। मैं इस नोट के साथ इस बात को खत्म कर दूंगा कि पिछले दिनों जब 22 नवंबर 2020 तकरीबन 3.5 महीना पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला बड़कली चौक पर आए, बहुत सारी मांगे मेवात के लोगों की थी। उससे पहले लिखित में पत्राचार हुआ, सारी बातें हुई, लेकिन एक मांग जो यूनिवर्सिटी की मांग थी और दूसरी मांग जिस पर उन्होंने लबकुशाही फरमाई, जिस पर उन्होंने कुछ तो कहा, वो था नेशनल हाईवे 248A। उस पर उन्होंने बात रखी और उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे से इसे ट्रांसफर करके इसे स्टेट हाईवे में परिवर्तित कर दिया जाएगा, इसे बदल दिया जाएगा, उसके बाद स्टेट सरकार उसको बना देगी। लेकिन ये एक प्रक्रिया है जिसमें वो एक साल लगाएंगे, लेकिन इस एक साल के अंदर न जाने कितने लोग और बेमौत दम तोड़ चुके होंगे, कितने लोग और हादसे का शिकार हो चुके होंगे। ये आवाज जब कही गई, किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की कि आखिर इस प्रक्रिया की जरूरत क्या है। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, हमें जरूरत है इसे 4 लेन बनाया जाए। हमें जरूरत है, जब नूह तक इसे 4 लेन बनाया जा सकता है, तो आगे बॉर्डर तक इसे 4 लेन क्यों नहीं बनाया जा सकता? कम से कम इसे चौड़ाया जा सकता है और चौड़ीकरण के बाद उसके बीच के अंदर एक डिवाइडर लगाया जा सकता है जिससे हादसों में कमी आ सके। लेकिन सरकार नई नए एक तरीके से पैंतरे निकालती है, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं बताती है और फिर उसे विवादों में उलझा कर इस मसले को शायद एक बार फिर डिले कर देना चाहती है। हम चाहते हैं कि मेवाड़ टाइम्स के माध्यम से ये आवाज बुलंद हो और इतनी बुलंद हो कि वो ईवानों तक पहुंचे और ये मसला अपने अंजाम को पहुंचे। हमारा नेशनल हाईवे 248A, जिसे खूनी रोड कह दिया गया है, वो खूनी रोड ना हो बल्कि एक आमदरफ्त का जरिया हो, शहरों तक लोग जाएं और यहाँ से ट्रांसपोर्ट आसानी इधर से उधर मुंतकिल हो सके। इन तमाम बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ये वीडियो आप अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।